इरादे की गूंज अब चारों ओर सुनाई देने वाली है, क्योंकि पर्व है तो वो भी जन्माष्टमी का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज पर्व है और इसकी खुशहाली पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। आज हम मौजूद हैं गुड़गांव में, जहाँ पर इस्कॉन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये बेहतरीन महोत्सव आयोजित किया गया और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और इसी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सभी मंदिरों में देखने को मिलेगी। अब रात के 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा और इस महोत्सव को लेकर सभी में काफ़ी हर्षोल्लास है। और इसी को लेकर चलिए आपको उस रंगारंग कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट तो बड़े धूमधाम से करते हैं, केक कटिंग करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, किस धूम के साथ सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महानता है, मान्यता है, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ, संगीत प्रस्तुति के साथ और इसी के साथ अभिषेक के साथ किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उन सभी तस्वीरों पर। आप सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। एक बार प्रेम से बोल दीजिए श्री बांके बिहारी लाल की। हमारा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर परिवार और सभी वैष्णव जन आज यहाँ पर श्री ठाकुर जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष में यहाँ पधारे हुए हैं और इतने वर्षों से जो प्रयास ठाकुर जी के नाम को फैलाने में, ठाकुर जी और श्री राधा रानी के नाम प्रचार में जो हमारे सभी ज्येष्ठ वैष्णव लोग कर रहे हैं, तो हमने भी एक कोशिश करी कि ठाकुर जी हमें एनर्जी तो दे रहे और हम लोग ठाकुर जी का नाम और श्री राधा रानी का नाम आप सभी के अंदर सभी के लिए सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा सके और साथ में संकीर्तन कर सके। तो आज जितनी भी देर, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, हम लोग यहाँ पर साथ में कीर्तन करें। तो ठाकुर जी के नाम कैसे कैसे, मदन मुरारी गिरिवार धारी जय भवानी जी, और क्या मेरे बांके बिहारी Thank you.
ऐसा नहीं है कि वहां पे जो हम कथाओं में सुनते हैं कि गोपियां ठाकुर जी के लिए रोती हुई भूमि है गली गली कि वो उनको दर्शन दे, जिन्होंने लगा रखा है आंखों में तो ठाकुर जी को बसाते हो ना कि नहीं? हाँ या ना?
तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हो सकी नैनों में कजरा लगाती है, हो सकी नैनों में कजरा लगाती है, उन नैनों में मुझको बिठाती है, उन नैनों में मुझको बिठाती है, काजल का रंग काला, काजल का श्री राधे राधे जब पोचाले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी क्या फ्रेंड से बोला ओ राधे 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 जब पोचाले आएंगे बिहारी जय हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी
समसितांबुधसुंदरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आरोलचंद्रकलसत्वनमाल्यवंशी रत्नांगतं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराणपुरुषं नमो यौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थासु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो वायोरथापि मनसो गुणिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौरचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेघनिगमप्रतिधैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेषवसुधादिविभूति। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया रंगारंग कार्यक्रम और इसी के साथ सुंदर प्रस्तुति के बीच यहाँ पर जो दर्शक आए थे, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद थे, वो बेहद सुंदर झांकियों की तरह तैयार हो, कुछ भजन हो जाए जरा सा अगर आपको आता हो। हाँ जी जरूर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना,
कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना, आप कृष्ण रूप में आना, आप कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके बंसियात लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ऐसे ही हम जन्माष्टमी का उपलक्ष मनाते रहें और हमारे बच्चे भी आने वाले यही समझे कि हम जन्माष्टमी बनाएं और कान्हा जी को कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ आने वाले पीढ़ियां भी हमारी देखती रहें और वो भी इसी तरह मनाती रहें। आज हमारे साथ जो हमारे कान्हा हैं उन्होंने बहुत राधे राधे श्याम विराजे राधे राधे बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने और बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि हम बहुत सही जगह पे हैं और हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं और सबसे अच्छा इस्कॉन की तरफ से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था ये। और भगवान ऐसे ही हम जन्माष्टमी मनाते रहें, साल पर साल जन्माष्टमी आती रहे और हम पूजा पाठ करते रहें। ये बांसुरी हाथ में लिए फुल ड्रेस में ये श्री कृष्ण भगवान की झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी बीच इनकी मम्मी भी यहाँ पर है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले तो आपको हार्दिक आपको भी और इस तरीके से आपने इस्कॉन में देखा किस तरीके से बढ़िया सुंदर तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया था सभी श्रद्धालुओं का और सुंदर तरीके से यहाँ पर जल अभिषेक भी किया गया है कृष्ण भगवान का, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि इसने इतना एंजॉय किया है, ये बिल्कुल इधर से उधर ऐसे गुडलो गुडलो चला है, इसको इतना मजा आया है, बिल्कुल कान्हा रूप में ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर आके इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है। जन्माष्टमी में यू नो ये होता है कि एक बार आए यहाँ पर और सबसे ज्यादा बच्चा हमारा खुश हो जाए तो बहुत अच्छा लगा। पहले लड्डू गोपाल देखे थे आपने, अब राधा रानी भी देखी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं यहाँ परफॉर्म करूँगी, बहुत सारे सॉन्ग जो मैंने सोचे अपने दिल से। अच्छा, तो आपका परफॉर्मेंस है? हाँ जी। तो फिर कौन से गाने पे आपने परफॉर्मेंस किया? मैंने मैया यशोदा पे और वो किसना है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? आपको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? हाँ जी, इस डे पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जी, तो जन्म हुआ था और उसके बाद जन्मोत्सव में आप भी अब हिस्सेदारी ले रही है और डांस परफॉर्मेंस कर रही है कृष्ण भगवान जी। यस। तो आपको पता है जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करती है नॉर्मल, फिर कृष्ण भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कैसा बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए कृष्ण भगवान जैसा? हाँ, बहुत अच्छा होना चाहिए, साइड डेकोरेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही अच्छी धूम देखने को मिलती है। मैं पर्सनली मैं मथुरा वृंदावन भी होके आया था जन्माष्टमी पे, बहुत ही धूमधाम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पे फंक्शन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कृष्ण भगवान सबके लिए भली करें, सबका मतलब सबकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करें, विश्व में कल्याण हो और अपना सारा काम अच्छे ढंग से चलता रहे, अपना भारत देश तरक्की करे, यही मैं आशा और कामना करता हूँ। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत में धूम देखने को मिल रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं G20 को लेकर भी, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली इवन आई एम अ डॉक्टर एंड जस्ट इवन वी आर कमिंग फ्रॉम द जयपुर फॉर निकॉल इज इनवाइटेड बाय माय सम विष्णु एंड ही इज वेरी डिवोटेड टू यू नो दिस दैट वृंदावन एंड दे आर मेकिंग सम टेम्पल एंड ही इज बेसिकली फ्रॉम रशिया। यू सी रशिया इज द कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द इस्कॉन टेम्पल्स एंड ऑल इन नॉट इन रशिया, इवन वी टॉक अबाउट द US एंड सम गेस्ट from Canada. He here is in Leela. He is the engineer of my husband company and he's very crazy about to watch this. But the thing is here in this area, yes, the program is very beautiful and the arrangements are very good, but entry is very strictly actually. Those who get the invitation only they can enter. And about the Krishna ji, yes, Lord Krishna is all over the world, is totally famous. Everybody knows that because of this, you know, if we devoted to Lord Krishna, so the positive thinking vibrations come inside to everyone actually. रात के 12 बजे और श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन हुआ। न्यूज वॉच इंडिया की ओर से भी श्री कृष्ण भगवान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों की ओर से भी कृष्ण भगवान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो इसी बीच हमने आपको कुछ दृश्य दिखाया कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान के जन्मदिन की कितनी धूम देखने को मिली, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद थे। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही जगह का दृश्य दिखाया, लेकिन यही दृश्य हर मंदिरों में हर जगह देखने को मिल रहा है। भारत की यही कुछ खासियत है। G20 का भी समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, सुंदर प्रस्तुति की जा रही है, लेकिन उसी बीच जो बाहर विदेश से मेहमान आए हैं उन्होंने एक झलक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी देखी और वो भी यहाँ पर मौजूद हुए, जिसके बाद
एक अपने आप में गौरवान्वित करने का ये जो अवसर था वो भी हमने देखा, और इसी के साथ यहाँ पर जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आए उन्होंने देखा कि किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, 12 बजे किस तरीके से भगवान का जल अभिषेक किया जाता है, दूध से मिलाया जाता है। और आपको यहाँ का दृश्य दिखाने का हमारा यही मकसद था कि यहाँ पर चंदन, दूध, फलों और भी तमाम चीज़ों से तक जगह जगह नदियों के पानी से उनको निलाया गया, फिर उसके बाद चंदन का लेप लगाया गया, शहद से निलाया गया, फिर उसके बाद चरणामृत तो लोगों में बांटा गया, और उसके बाद तमाम जो प्रकरण होते हैं इसके बाद वो श्रद्धालुओं द्वारा किए गए, और इसी के साथ पूजा अर्चना के साथ श्री कृष्ण भगवान का जन्म किया गया। और ये महोत्सव हर सनातन धर्म के लिए बहुत ही खूबसूरत है और इसको हर कोई हर्षोल्लास के साथ मनाता है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ मैं निशी भाटिया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।